प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी दौरे पर रहे। उन्होंने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं 10 लाख करोड़ के 14,619 प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने यूपी की नई परिभाषा दी। बोले, यूपी मतलब अल्टीमेट पोटेंशियल। देश दुनिया के करीब 5,000 मेहमान इस वक्त लखनऊ में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि पहले दुनिया भर के निवेशक चुनाव के वक्त भारत में निवेश करने से बचते थे, अब ऐसी स्थिति नहीं है। दुनिया भर के निवेशकों को भारत की स्टेबिलिटी पर भरोसा है। पीएम ने कहा कि आज यूपी वो राज्य है जहां देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं। आज यूपी वो राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। आज यूपी वो राज्य है जहां देश की पहली रैपिड रेल चल रही है। विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। और मुझे बताया गया कि इस समय टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ यूपी की 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर लाखों लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं मेरे इन सभी परिवारजनों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। 7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अपराध, दंगे, छीना झपटी, यही खबरें आती रहती थी। उस दौरान अगर कोई कहता कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता, विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है और मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में जब होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है।